एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय के दुकानदार इनलो महिला चोर गिरोह के कारण परेशान हैं। दरअसल विभिन्न दुकानदारों के द्वारा इस मामले की शिकायत की जा चुकी है कि उनके दुकानों के ऊपर रखे सामान को, जो अमूमन कबाड़ का होता है, जिसकी कीमत दुकानदार की नज़र में ज़्यादा होती है, लेकिन चोरों की नज़र में वह सामान कबाड़ के भाव ही बिकता है। ऐसे में यह लोग सुबह सवेरे या देर रात यहां पर चोरी करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसी ही कुछ महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। दुकानदार का कहना है कि यह महिलाओं का गिरोह है जो चोरी करके उनके विभिन्न सामग्री की चोरी करता है। दुकानदार का यह भी कहना है कि यह पहला मामला नहीं है, बल्कि इसके पहले भी कई दुकानदारों के यहाँ से इस तरह से चोरी हो चुकी है। पुलिस को आवेदन देने के बाद भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीसीटीवी कैमरे में दिख रही हैं महिलाएं, महिला चोर हैं, जिनके द्वारा एक दुकान की छत पर पहुँच करके सामग्री को नीचे फेंक करके चोरी की गई है। साथ ही महिला चोरों के द्वारा उस सामान को एकत्रित कर लिया गया। यह महिलाएँ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। दुकानदार का इस मामले पर क्या कुछ कहना है वह हम आपको सुनाते हैं, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि महिलाएं चोरी के गिरोह के रूप में दमोह में सक्रिय हैं और लगातार इनकी चोरियों के कारण से दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। दुकानदार का क्या कहना है जो इस चोरी से पीड़ित है, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। गत दिवस कुछ महिलाएं सुबह 5:30 बजे करीब पट्टी पे से चढ़ के ऊपर छत पे चढ़ी हैं और उनने मतलब जो सामान रखा था मेरा वो नीचे पटक के वह चोरी करी हुई है। और महिलाएं हैं ना, उनसे कुछ बोल पाते हैं। एक बार नहीं, 2-3 बार ये चोरी हो चुकी है। कोतवाली में मैंने भी क्या बोलते उसको एप्लीकेशन दी हुई है, तो वहाँ से भी कोई ऐसा वो नहीं आता कि वो देखने आते हों या चेक करने की कुछ भी है। तो ये सब घटनाएँ बार बार और बहुत सारे लोगों के साथ घटित हो रही हैं, क्योंकि ये मतलब सामान तो ये भले ही वो कबाड़ में बेचती हैं, लेकिन किसी हज़ारों रुपए का सामान उनके लिए 200-400 रुपए की वैल्यू का होता है, और है ना। और ये सब चीज़ें हो रही हैं और इसका कोई भी मतलब कहना चाहिए ध्यान नहीं दे रहा है कोई भी। कितनी महिलाएं हैं? 3 महिलाएं थीं वो वीडियो में जो देखा जा रहा है, वो 3 महिलाएं आई हैं सुबह से और बोरियों में भर के सामान ले गई हैं, और उसके मतलब 3 महिलाओं का दिख रहा है वीडियो में तो रिकॉर्डिंग। कौन है महिला? सकल मतलब उससे तो लग रहा है, परिवेश से तो ऐसा लग रहा है कि ये जो रास्ते में बीनने वाले रहते हैं ना, ये सब रहती हैं और धीरे धीरे ये चोरियों को अंजाम दे रही हैं। अभी छत पे चढ़ी हैं, कल पिछले बार में शटर भी इनने खींच के देखी रही है, तो ऐसी सब ये धीरे धीरे घटनाएं चोरी की हो रही हैं और ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। एक बार नहीं, हमारे पास खुद 3 से 4 बार ये चीज़ें हो चुकी हैं। ये महिलाओं की बहुत सारी महिलाएं हैं जो मतलब कहना चाहिए एक प्रकार से गैंग है, लगभग 100-150 महिलाएं, और आप इनको मतलब कचौरा में जो कबाड़ी लोग रहते हैं उनके यहाँ पे आप सुबह टाइम देख भी सकते हैं, हर घर में और कहीं पे भी ये सामान चोरी करके ले जाती हैं, वहाँ बेच रही हैं। और इनकी कोई भी मतलब जानकारी लेने से अपन जैसे मान लो ये महिलाएं हैं, अब इनको हम कुछ कर भी लें, पकड़ भी लेती हैं तो कुछ कर नहीं सकते इनका, ये छूट के चली जाएंगी या कुछ भी है अपना वो बताती हैं। मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि कृपया इनको थोड़ा सा सुबह और रात में ये गश्त बढ़ाएँ या जानकारी लें और थोड़ी सी क्या बोलते इसको उन्होंने से बचाएं कि मतलब नुकसान ना हो, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद भी कुछ फरियाद सुनी नहीं जाती है।